हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका जाना पहचाना दोस्त एंड होस्ट डॉक्टर दीपक अडवाणी और मेरे चैनल होम्योपैथिक वाइंस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब लोग भलीभांति रूप से परिचित हैं कि मैं आप लोगों के लिए डे बाय डे न्यू वीडियोज लॉन्च करता हूं रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिन एंड डिजीज के बारे में, आपको पूरी डिस्क्रिप्शन देने का प्रयास करता हूं। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप लोग यूट्यूब पर सर्च करते रहते हैं, न्यूफल ल्यूटियम के बारे में पूरी विस्तार से जानकारी आपको इस वीडियो में देने का प्रयास करूंगा। एक मेल स्पीयर ऑफ एक्शन होती है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। बहुत शानदार मेडिसिन होने वाली है, बहुत शानदार वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। आपको अगर पसंद आता है तो ही लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि होम्योपैथिक वाइंस पर ही आपको प्रोवाइड हो पाती है लेटेस्ट जानकारियां किसी भी रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, हम लोग आज बात कर लेते हैं न्यूफल ल्यूटियम के बारे में। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा इस मेडिसिन का। ये एक प्लांट बेस, एक एक्वाटिक प्लांट होता है, जैसा कि आपने लोटस का प्लांट देखा होगा पानी में ग्रो होता है, उसी तरह का एक पौधा होता है। इसके पीले कलर के फूल आपको देखने को मिलेंगे, ओवल शेप इसकी पत्तियां होती हैं, डंठल आपको स्क्रीनशॉट पर दिख जाएगा। इस तरह का न्यूफल ल्यूटियम का प्लांट होता है, ये पौधे से बनी हुई बिल्कुल हर्बल मेडिसिन है। इसके रोचक जो तथ्य हैं वो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा, तो आप ध्यान से वीडियो को सुनते रहिएगा और देखते रहिएगा। तो एक्वाटिक प्लांट होने के साथ साथ इसकी जो रूट्स हैं वो मड में धसी हुई होती है, एज इट इज लाइक लोटस के प्लांट की तरह होता है। ये टेम्परेट एशिया और यूरोपियन कंट्री में पाया जाने वाला प्लांट है, ये आपको इजीली देखने को मिल जाएगा इंडिया और फॉरेन में। होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू बात कर लूं तो इसके जो मदर टिंचर है वही बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं मेरे क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी न्यूफल ल्यूटियम का ही क्लिनिकली मदर टिंचर उपयोग में लेता हूं। तो इसकी जो मेडिसिन या मदर टिंचर है वो इसके राइजोम, इसके फूल के जो पीले कलर के फूल है उसके राइजोम से बनाया जाता है, बिल्कुल हर्बल प्लांट एक्वाटिक मेडिसिन है। तो ये हुई इस पौधे के बारे में जानकारी, इसके यूजेस एंड बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पुरुषों या मर्दों से संबंधित बहुत बढ़िया स्पीयर ऑफ एक्शन वाली मेडिसिन है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा इम्पोटेंसी के अंदर मेल स्पीयर ऑफ एक्शन की बात करूंगा, जहां पर मेल सेक्सुअल ऑर्गन जो होते हैं वहां बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में हो, पेनाइल इरेक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर, बिल्कुल ही मेल्स में उत्तेजना की कमी हो गई हो, पेनाइल ऑर्गन जो है बिल्कुल रिलैक्स हो, कोल्ड हो, रिट्रैक्टेड हो और जो टेस्टिस है उसमें भी पेन बना रहता है, तो ये बिल्कुल कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल डिजायर में बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको मैं इसके डोजेस की बात करूं तो 15 से 20 बूंद आप रेगुलरली 25 डेज तक लेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स इसके देखने को मिल सकते हैं। स्पर्मेटोरिया में या सेमाइनल डिस्चार्ज जो होता है, सीमन का डिस्चार्ज, वो भी नॉक्चर्नल हो जाए या कंटिन्यूसली फैंसीज आपके दिमाग में ऐसी थॉट्स आती हैं उसके कारण डिस्चार्ज हो जाए, सेमाइनल डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्टूल एंड यूरिनेशन की तरह से नर्वस वीकनेस के अंदर बहुत अच्छा काम करती है। आपको हिंदी में समझा रहा हूं मैं, बिल्कुल और ज्यादा स्पष्ट रूप से मैं आपको समझा दूं तो ये पुरुषों के लिए सेक्सुअल ऑर्गन या उत्तेजना कह लीजिए इरेक्शन पेनिस में लाने के लिए, जिनके अंदर पेनाइल ऑर्गन जो है बिल्कुल रिलैक्स ठंडा कोल्ड पड़ा हुआ होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है, वहां पर न्यूफल ल्यूटियम काम करती है। जिनका डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है, बड़े परेशान रहते हैं उस चीज को लेकर, उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वहां पर न्यूफल ल्यूटियम को आप लोग 15 से 20 बूंद स्टार्ट कर सकते हैं, आगे 20 से 25 बूंद भी हम लोग इसके बढ़ा सकते हैं। निवाय पानी गुनगुने पानी में उपयोग करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं, कंटिन्यूस थॉट्स आते रहते हैं, सीमन डिस्चार्ज होता है वहां पर भी इसको आप भूले नहीं, नर्वस वीकनेस के अंदर भी न्यूफल ल्यूटियम बहुत ही बेहतरीन काम करती है, किसी भी तरह की जो इरेक्शन है उसको मेंटेन करेगी, जल्दी डिस्चार्ज नहीं होने देगी। न्यूफल ल्यूटियम पुरुषों के स्टेमिना को भी बहुत ज्यादा मजबूत बनाती है, उनकी विल पावर भी, इनके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना अच्छा हो जाता है न्यूफल ल्यूटियम को यूज करने के बाद। एक तरह का एक्वाटिक प्लांट हब है, इसीलिए किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, आप इसे कंटिन्यूसली अगर 2-3 महीने भी यूज करते हैं तो किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये हुई न्यूफल ल्यूटियम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में विस्तृत से जानकारी। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी आप लोगों से मिलूंगा होम्योपैथिक वाइंस पर। अगर आप लोग
किसी भी तरह का कोई शंका हो या ऑनलाइन कंसल्टेशन लाना चाहते हो तो प्लीज आप डिस्क्रिप्शन लिंक जरूर चेक कीजिएगा, वहाँ सारी लिंक्स मौजूद हैं मुझसे जुड़ने के लिए। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आपसे, तब तक लाइक एंड शेयर करते रहेगा उम्मेदिक वाइंस को और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।